जिगर का जो अतिया करने वाला शख्स होता है उसको कुछ हो तो नहीं जाता, ये वो सवाल है जो मैं अक्सर लोगों से सुनता हूँ। उसकी मोर्टेलिटी है लेकिन बहुत कम, ना होने के बराबर, ठीक है। यानी आप ये समझ लें कि 400 में से एक, 200 में से आधा, ठीक है, 0.5% तक मोर्टेलिटी रिपोर्टेड है, अदरवाइज कोई ऐसी खतरे वाली बात नहीं। ये जहूर साहब हैं, इन्होंने यूके से ट्रांसप्लांट जो है करवाया था, तो अपने फादर को, अपने वालिद साहब को 2002 में दिया था जिगर, तो जिगर को जिगर दे दिया वाली बात, और 2002 में ये हुआ था, और ही स्टिल ऑल वेल, ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो 2002 में आपने कराया था यूके से, कितने पैसे लगे थे उस वक्त? तो पाउंड्स में थे पैसे, अब मुझे इतना तो एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन फादर कैसे हैं? मेरे फादर की फिर डेथ हो गई थी उसी वक्त यूके में, नहीं, नहीं, नहीं बाद में, उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए थे, लेकिन उनको फिर उनका किडनी फेलियर हो गया था, क्योंकि उनको आपने इनका वो सिस्टम डाउन रखने के लिए, इम्यूनिटी डाउन नहीं करने के लिए इम्यूनो सप्रेशन पे गए, तो टॉलरेट नहीं कर सके। वरना हमारे जिगर पैबंदकारी के मरीज़ इंडिया के भी मेरे पास आते हैं, अब जिन्होंने इंडिया से कराया हुआ है, इवन पाकिस्तान में भी लोगों को, अब शिफा इंटरनेशनल में जब ट्रांसप्लांट शुरू हुआ था 10-10 साल हो गए, गंबट में भी 5-5, 6-6 साल से, तो वो यकीनन वो किडनी के लिए वो दवाइयां देख के डोज रख के खानी होती। तो कब 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 फिर तकरीबन वो 3 साल, बिल्कुल सही, 2005 में डेथ हुई, 2005 में उनको रीनल फेलियर, और उसमें भी फिर सब लाइन वजूहत होंगी, कोई शुगर वगैरह थी नहीं, थी उनको ब्लड प्रेशर भी था और इस तरह के इश्यूज थे, फिर क्योंकि वो डायलिसिस, जब शुगर भी मिल गई, ब्लड प्रेशर भी हो गया, उन्होंने भी गुर्दे डैमेज किए, फिर इम्यूनो सप्रेशन भी मिल गई, तो सब ने मिल के गुर्दों को डैमेज कर दिया। एनीवेज डोनर, अगर मेरे बच्चे हैं, मेरी शादी हुई थी, अभी मेरी 3 बेटियाँ 1 बेटा है अल्हम्दुलिल्लाह, उस वक्त मेरी नई नई शादी हुई थी, आज मुझे 20 साल हो गए हैं, सही है, और अल्हम्दुलिल्लाह ऑल फाइन। तो जिगर देने वाले की शादी भी हुई, 3 बच्चे भी हो गए, ठीक है, ही इज़ ऑल ओके, कोई मसला नहीं हुआ। तो वो तमाम जो देखते हैं कि जो जिगर अतिया करता है, डोनर जिसे कहते हैं लिवर डोनर, वो कैसा होता है, वो ऐसा होता है, अब ये बड़े बुरे डोनर हैं, क्योंकि अब इन्होंने, इनके लिवर पर फैट आई हुई है, और इन्होंने 86 किलो अपना वज़न कर लिया हुआ है, पेट पर भी फैट है, अगर इसी हालत में 2002 में होते तो जिगर नहीं दे सकते थे। अब तो वैसे ही एक दफ़ा डोनर हो जाए तो दोबारा डोनर भी वो नहीं रहता, लेकिन ये इस हालत में अगर 2002 में होते तो जिगर नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जब फैट से भरा हुआ जिगर दूसरे इंजन में लगता है, दूसरी गाड़ी में लगता है, तो वो इंजन स्टार्ट ही नहीं होता, मतलब वो मर जाता है पेशेंट, वो बेचारा नहीं बच पाता, क्योंकि चर्बी वाला जिगर बुरा जिगर होता है। उसमें मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मैंने कोई हेल्दी लाइफ नहीं यूज़ की, ना मैंने डाइट की है, ना मैंने वॉक की है। एक बंदा होता है ना कि अपना उस तरह से ख्याल रखता है, सही है, तो इस वजह से मैं इस तरह से हूँ, अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल डोनर को कोई इशू हो। डोनर को कोई इशू नहीं होता, आप तो किसी दवाई पे भी नहीं है ना? जी नहीं। तो डोनर को कोई दवाई भी नहीं खानी होती, डोनर 8वें 9वें दिन डिस्चार्ज होकर घर चला जाता है, 2-3 महीने बाद वो एज नॉर्मल ज़िंदगी गुजारता है जैसे बाकी गुजारते हैं। पाकिस्तान में भी यही है, इंडिया में भी यही है, यूके में भी यही है, तो ये सारा कुछ होता है, और डेथ्स वहाँ भी होती हैं, यहाँ भी होती हैं, मोर्टेलिटी हर तरह है, डोनर मोर्टेलिटी भी वैसे ही है लेकिन कम है। तो जिगर अतिया करने वाला शख्स 20 साल बाद मेरे साथ बैठा है, यानी कि एक ऐसा शख्स जिसने अपने वालिद को आज से 20 साल पहले जिगर अतिया किया था, वो मेरे सामने उस वक्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी ट्रांसप्लांट की, और ये इतना इजी नहीं था कि आप समझें कि बड़ी इजी से आप जाएंगे और डोनेट करेंगे और वापस। मैंने 2015 में अपने वालिद साहब का चाइना से कराया, 1.25 करोड़ लागत आई थी, तो ट्रांसप्लांट 2016 में भी इजी नहीं था, अब आके चीज़ें आसान हैं। UCIT उस वक्त कराची में भी हम गए, SIUT, लेकिन उस वक्त तो वो इतना डेवलप नहीं था जी। तो SIUT में 2003 में पैबंदकारी हुई थी जिगर की, फिर अब नाउ किडनी ट्रांसप्लांटेशन है टॉप, लिवर ट्रांसप्लांट वानी है। तो बहरहाल आप तो ट्रांसप्लांट आने वाले इंशाल्लाह 10-15 सालों में ट्रांसप्लांट इतना आम होने, पाकिस्तान में आने वाले 5 सालों में जिगर पैबंदकारी इतनी आम हो जाएगी इंशाल्लाह के बहुत लो कॉस्ट पे होगी। अभी भी पाकिस्तान में 35-36 लाख में प्राइवेट में आ चुका है, और गवर्नमेंट में तो जैसे डोगर साहब हैं, हम लोग हैं, हम कर रहे हैं, तो वो तकरीबन बहुत ही लो कॉस्ट हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं, और डोनर का मेनली मैंने बताना था, डोनर इज़ ऑल है, तो जिगर देने वाला ऐसे होता है।